हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, इसमें कई सारी वैकेंसीज हैं और अलग अलग जगह से जैसे नोटिसेज रिलीज हो रही हैं, तो आप चेक करते रह सकते हैं। सेंट्रल लेवल पर भी बात हो रही है एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल से एडवर्टीजमेंट रिलीज होने की, तो देखें कब तक होता है, क्योंकि सेंट्रल का काम है तो स्लो स्लो चलता रहता है, बट बात तो है। तो फिलहाल ये एक पर्टिकुलर खास स्टेट और खास डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है ये एडवर्टीजमेंट जो हम इस वीडियो में कवर करें, तो डिटेल्स आगे चेक कर लेंगे। तो फिलहाल जो है इसमें जो एडवर्टीजमेंट अभी हम कवर करेंगे 13 पेजेस की, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दी हुई है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस है। मतलब टीजीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो चेक करेंगे पहले, और बाकी डिटेल्स इसमें, सैलरी वगैरह, एज लिमिट अच्छी रहती है इसमें। 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो और अगर रिटायर्ड कैंडिडेट हैं तो रिटायर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है। कार्यालय जिला स्तरीय समिति, आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला कोरबा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट से आई हुई है, अभी छत्तीसगढ़ से काफ़ी आ रही है वैकेंसीज। ई एम आर एस से अतिथि शिक्षक है, गेस्ट टीचर है। लेकिन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और कस्तूरबा दोनों की अच्छी चीज़ ये होती है कि टर्मिनेट नहीं करते हैं जल्दी। जैसे कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 11 महीने खत्म होने के बाद अगर टीचर कंटिन्यू करना चाहते हैं और मैनेजमेंट को भी अच्छा लगा उनका पढ़ाना वगैरह, तो नेक्स्ट ईयर फिर कंटिन्यू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं, जैसे केवीएस में मोस्टली कई बार बीच में भी टर्मिनेट कर देते हैं, कई बार एंड होने पे भी टर्मिनेट कर देते हैं। www.korba.gov.in पर जाना होगा। नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं है जिनके पास, या एक्सपीरियंस है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड कैंडिडेट्स को भी यहाँ अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अगर आप रिटायर्ड भी हैं तो भी आप एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन होती है 12 मई 2023 तक। एप्लीकेशन फॉर्मेट और बाकी सभी चीज़ें जो बताई गई हैं इसमें, वो सारी चीज़ें पहुंच जानी चाहिए। क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐसे रहती है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए। सब्जेक्ट जैसे टीजीटी इंग्लिश है, तो स्नातक में एक विषय अंग्रेजी होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि ऑनर्स है या ऐसा, एक सब्जेक्ट आपने टीजीटी है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए इस टाइप से। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप चेक कर सकते हैं क्या। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का टेट पेपर 2 है तो क्लियर, ठीक है। बीएड होना ही चाहिए या इक्विवेलेंट, सीटेट वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, या छत्तीसगढ़ से पेपर 2 टेट किया हुआ है तो भी कर सकते हैं अप्लाई। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कैसा रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सिर्फ इंग्लिश है फिलहाल इस एडवर्टीजमेंट में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास्टर डिग्री इन इंग्लिश एंड बीएड होना चाहिए, इसके लिए टेट की जरूरत नहीं है। मिनिमम 21 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट 60 ईयर्स है। जो कैंडिडेट रिटायर्ड नहीं है, मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकेंगे, क्वालिफिकेशन अगर मैच हो रही है। रिटायर्ड कैंडिडेट्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अगर 65 ईयर्स या बिलो वाले रिटायर्ड कैंडिडेट हैं तो वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो बनता है वो एकेडमिक आपका जो क्वालिफिकेशन है, और अगर इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे तो इंटरव्यू और वो एकेडमिक जो भी है उसको मिला के फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं वो ज़रूर है, बट फिर इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। तो इसके लिए चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे देखना है। बाकी जो है सैलरी की डिटेल जो देखना चाहते हो, पेज नंबर 5 पे चले आए। इसमें अच्छा ये है कि आप साइड बाय साइड कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पर लेक्चर बेसिस पर पेमेंट की जाएगी, जिसमें कि कभी जैसे पीक टाइम होता है, जब बहुत सारा सिलेबस कवर करना होता है, तो 45,000 रुपीज तक मैक्सिमम आपकी सैलरी बनती है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 300 रुपीज पर लेक्चर होंगे। जैसे पीक मंथ रहता है, जब सिलेबस काफी ज्यादा कवर करना रहता है, तो 42,000 रुपीज तक सैलरी मंथली आपकी बनती है, ऐसा रहेगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्मेट 2 अलग अलग दिए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला रहता है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि इस डेट तक, अगर आपकी एप्लीकेशन पहुंच रही तभी अप्लाई करें हार्ड कॉपी। अभी क्या क्या इसमें लगाना है, फ्रेश क्या क्या कैंडिडेट को क्या क्या अटैच करना है, ये आपको पेज नंबर 8 पर मिल जाता है।
हाई स्कूल, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। सिस्टमेटिकली आप पढ़ लें, इतना पढ़ने का ये नहीं है, जरूरत नहीं है। टीजीटी के लिए सीटेट या टेट चाहिए छत्तीसगढ़। बाकी और जो रिटायर्ड कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो ये वाला चेक कर लेना, क्या क्या अटैच करना है। पेज नंबर 8 पर सेकेंड वाला। एप्लीकेशन फॉर्मेट दो अलग अलग दी रहती हैं। फ्रेश अभ्यर्थी है तो पढ़ लेना है, रॉन्ग फॉर्मेट नहीं डाउनलोड करना। फ्रेश अभ्यर्थी मतलब जो रिटायर्ड नहीं है उनको फ्रेश बोल रहे हैं, चाहे एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, बट जो रिटायर्ड नहीं है उनको फ्रेश अभ्यर्थी। उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट पेज नंबर 9 से है, और पेज नंबर 9 से शुरू होकर एप्लीकेशन फॉर्मेट आपकी चलती जा रही है। पेज नंबर 10 भी है, पेज नंबर 10 तक खत्म हो जा रही है। अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट है तो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपकी शुरू होती है पेज नंबर 11 से, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। पेज नंबर 11 12 तक चल रहा है। उसके बाद सेवानिवृत्त, हाँ फिर ये हो गया। और भी कुछ फॉर्मेट है ये भी आप कर ले। एप्लीकेशन में क्या क्या अटैच करना है वगैरह प्रक्रिया में बताया गया पेज नंबर 7 पर। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया, विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार, ऑफलाइन सॉरी ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि, मूल अभिलेख से मिलान कर, ये सारी चीजें क्या क्या डालना है, कैसे क्या, स्वप्रमाणित सभी जितने भी सर्टिफिकेट्स फोटो कॉपीज आप अटैच करेंगे सब में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। उसी को बोला जाता है स्वप्रमाणित। स्वप्रमाणित या स्व अभिप्रमाणित मतलब होता है आपकी अपनी सिग्नेचर जो है फोटो कॉपीज पर होनी चाहिए। तो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 3 तक पूरा पढ़ लें, क्या क्या कैसे एनवेलप डालना, कितने एनवेलप यूज करने हैं वगैरह, ये सारी चीजें करके पेज नंबर 7 पर हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफे में सील बंद कर संबंधित जिले के जिलाधिकारी समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाए। तो सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट यूज करना या फिर स्पीड पोस्ट, यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर्ड, तो गवर्नमेंट वाली पोस्ट ऑफिस चले जाए, कोई भी आसपास गवर्नमेंट वाली पोस्ट ऑफिस है वहां से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर दे। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श विद्यालय में ये अतिथि शिक्षक 2023-24 लिखना अनिवार्य होगा। एड्रेस जो आप पूछते हैं कि एड्रेस कौन सा, एड्रेस जो ये लिखा रहता है इसी पे कार्यालय जिला स्तरीय इसी पे आपको एप्लीकेशन भेजनी होती है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट भी देखेंगे कि कहाँ पर आपको ये एडवर्टीजमेंट मिलती है देखने को। तो ये आप चले आए छत्तीसगढ़ शासन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी में देखें यहाँ पर होम अबाउट डिस्ट्रिक्ट, इसमें नोटिसेज में आप चले आए। नोटिसेज में सबसे नीचे रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक करना, नोटिसेज पे क्लिक करना, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना, रिक्रूटमेंट वाली पेज ओपन हो जाती है जिसमें कि दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट रहेंगे देखने को। अगर अभी फिलहाल एक है दो है एडवर्टीजमेंट, पहली जो एडवर्टीजमेंट है वो एडवर्टीजमेंट फॉर अरेंजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर्स फॉर एकलव्य आदर्श रेसिडेंशियल स्कूल 12th में लास्ट डेट, इसी में सारी चीजें हैं, डिटेल्स, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, सारी चीजें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक korba.gov.in है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप चेक करते हैं लिंक के लिए तो सबसे नीचे तक धीरे धीरे स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लिंक नजर आ जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।